हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ब्यूटी सेकंड पांच इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ लिप स्वैचेस। जी हाँ, रेने का 2-in-1 लिप क्रेयॉन जो भी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ था, इसका मेरे पास में एक शेड है एंड 2-in-1 प्रोडक्ट है ये। मैंने न्यू लॉन्चेस में शेयर भी किया था आपके साथ में एंड आज मैं इसके लिप स्वैचेस आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। हैंड स्वैचेस भी देखेंगे। अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे रिव्यूज़, टिप्स, ट्रिक्स, हॉल्स, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। सो यस, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको भी जाननी है सारी डिटेल्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लें तो काफ़ी अच्छी सी इसकी पैकेजिंग मिल जाती है एंड बाकी डिटेल्स वगैरह इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। मैंने न्यू लॉन्चेस इसका ऑलरेडी डाला हुआ है मेरे चैनल पर, उसको मैंने इसको अनबॉक्स किया था ऑन कैमरा। तो इस तरीके से कुछ मिल जाती है एंड आपको दो शेड मिल जाएंगे, एक ये डार्क शेड है एंड एक ये लाइट शेड है जो आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है। 2-in-1 लिपस्टिक है, रिट्रैक्टेबल है तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ट्रैवल फ्रेंडली है। आपको एक के दाम में दो लिपस्टिक भी मिल रही है एंड एक जो जगह घेरेगी, एक क्रेयॉन जो जगह घेरेगा आपके वैनिटी किट में, उसी में आपको दो शेड्स भी मिल जाएंगे। सो यस, दिस इज़ द प्रोडक्ट। अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है, इतना प्रोडक्ट आपको एक लिपस्टिक में मिल रहा है एंड इतना ही आपको सेकंड लिपस्टिक में भी मिलेगा। तो ये है लाइट वाला शेड जो माइट बी, मैंने पिछले वीडियो में भी अपने जब मैंने इसे अनबॉक्स किया था तब भी बोला था माइट बी ये मुझे वॉश ऑफ करे। सो दिस इज़ द हैंड स्वैच। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का सा है, डेली बेसिस के लिए बहुत बेस्ट है। लिप्स पर लगा के दिखा, ब्यूटीफुल शेड फॉर डेली वेयर। थोड़ा सा वॉश ऑफ कर रहा है मेरी स्किन टोन पे, डेफिनेटली आप देखिए। मुझे पर्सनली इस तरीके के कलर्स मेरे स्किन टोन पे अच्छे नहीं लगते हैं, बट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा क्या ये मेरे पर सही लग रहा है शेड या नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के शेड्स लगाना मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। इससे हाँ, एक शेड डार्क होता तो वो डेफिनेटली मुझे मेरे पर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला कुछ ज़्यादा ही लाइट सा हो जाता है, आई डोंट नो वाई, ऐसा मेरा सोचना है या सच में है, क्या है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये शेड मुझ पर। नेक्स्ट शेड देख लेते हैं जो कि डार्क कलर है एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। सेम रिट्रैक्टेबल आपको वैसे ही मिल जाएगा जैसे पिछला मैंने आपको दिखाया था एंड इसका शेड मैं आपको दिखा दूं, दिस इज़ द शेड। ये डार्क वाला है, ये लाइट वाला है जो पहले लगाया था एंड ये डार्क वाला है। डार्क वाला लिप्स पे अप्लाई करके कैसा आता है देखते हैं। दिस इज़ द शेड जो मैंने दूसरा वाला लगाया है एंड दिस इज़ इट हैंड स्वैच। मुझे पर्सनली इस तरीके के शेड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरी स्किन टोन पे, मेरे फेस पर एंड ये मेरा मिथ है या सच है बिल्कुल से मुझे बताइएगा। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे किस तरीके के शेड्स लगाने चाहिए हैं या मुझे कुछ अपनी चॉइस में चेंजेस करने चाहिए हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पर जो मैं लगाती हूँ वो इसी तरीके के शेड्स लगाती हूँ जो थोड़े से डार्कर साइड पर हों, एकदम हल्के एकदम न्यू कलर्स। पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी स्किन टोन पे अच्छे नहीं जाते हैं, बहुत ही वॉश ऑफ से करते हैं। सो यस, ये इन दोनों का स्वैचेस आपने देख लिया, जिसमें लिप्स पर भी एंड हैंड्स पर भी, दीज आर द टू शेड्स। तो इसमें और बहुत सारी शेड्स अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेइंग पावर की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबे स्टेइंग पावर इसकी नहीं है क्योंकि ये बुलेट लिपस्टिक है, इट्स नॉट द लिक्विड लिपस्टिक। सो यस, ये आराम से 3 से 4 घंटे टिक जाती है, आप उसको रीअप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो इसके साथ में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी ट्रैवल फ्रेंडली सा प्रोडक्ट है। तो अगर ये आपके वैनिटी में होगा कभी भी ट्रैवल के टाइम पे तो आप इसके साथ में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। आप इसको आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क शेड है तो आप इसकी कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, अगर आपने इसका ब्राउन वाला ऑप्शन ले रखा है तो आप उसकी कॉन्टोरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रैवल फ्रेंडली तो बहुत ही ज़्यादा है, डेफिनेटली नो डाउट। आप चाहो तो इसे बिल्कुल से ट्राई आउट कर सकते हैं, मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था, आप भी इसे चेकआउट बिल्कुल से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू जिसमें आपने ये लिप स्वैचेस देखे, होपफुली आपको हेल्पफुल रहा होगा। जरा सा भी पसंद आया है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।